आप सब प्रेस के मित्रों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं. वी वेलकम ऑल ऑफ यू. वी आर वेरी हैप्पी दैट यू आर हियर टू सेलिब्रेट आवर व्यापार उत्सव. रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कर्नाटका चैप्टर की तरफ से हम एक ऑल इंडिया एग्जीबिशन कम ट्रेड फेयर बाय नेम व्यापार उत्सव करने को जा रहे हैं. ये 12 तारीख को इसकी सुबह 11 बजे ओपनिंग होगी. 12 तारीख से लेकर 15 जनवरी तक ये चलता रहेगा. ये एक ऑल इंडिया एग्जीबिशन कम ट्रेड फेयर है जो B2B एज वेल एज B2C सेगमेंट को कैटर कर रहा है. इसके साथ साथ में 4 दिन तक इस सेंट्रल मॉल में जो ये इवेंट होने को जा रहा है, कई सारे हमारे पैरेलल इवेंट्स होते रहेंगे. जैसा कि एक वेरी इम्पॉर्टेंट इवेंट जो होने को जा रहा है वो है इंडिया रशिया कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम. हमारे पास हमने इस इवेंट में रशिया से कई सारे आर्टिस्ट को इनवाइट किया है और हमारे देश भारत से तकरीबन पूरे हिंदुस्तान से 50 से ज़्यादा आर्टिस्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं और ये सारे आर्टिस्ट अपने पेंटिंग्स वगैरह गुलबर्गा वालों के लिए प्रेजेंट करने के लिए आ रहे हैं. इसके साथ साथ में हमारे पास एक फूड फेस्टिवल भी हम करने को जा रहे हैं. गुलबर्गा वासियों को हम हर तरह के कुजीन से इसमें सर्व करने की कोशिश करेंगे. तो एक ऐतिहासिक ये क्षण है गुलबर्गा के लिए. इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमने तो इसको ऑल इंडिया लेवल पे हमने प्लान किया था, लेकिन खुशी की बात यह है कि इसमें तकरीबन 4 से 5 कंट्रीज़ के फॉरेन डिग्नेटरीज जो ट्रेड अटैचीज होते हैं वो आ रहे हैं. जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, और आपके कजाकिस्तान है, ईरान है, इनके ये सारी जगहों के ट्रेड अटैचीज या काउंसलर जनरल हमारे पास इस इवेंट को ग्रेस करने के लिए आ रहे हैं. तो साथ ही साथ में जो 4 दिन ये जो इवेंट होगा इसमें हम गुलबर्गा वालों के लिए तकरीबन 12 सेमिनार्स हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें आपके स्टार्टअप एंड स्केलअप पे बात होगी, इंटरनेशनल बिजनेस पे बात होगी, फाइनेंस एंड टैक्सेशन पे बात होगी. ऐसे कई सारे बिजनेस रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिस पे हम कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार कंडक्ट करने को जा रहे हैं. और सबसे अच्छी बात यह है के गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का बहुत ही ज़्यादा सहयोग हमारे साथ में है. हमारे साथ में कुल मिला के तकरीबन 10 ऐसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जो इस इवेंट में हमारे साथ एज ए पार्टनर चल रहे हैं. इसकी तफसीलात जैसे हमारे ब्रदर बसवरा साहब बैठे हैं, आपको डिटेल्स देंगे कि कौन कौन से गवर्नमेंट के स्टॉल्स यहाँ पर मौजूद हैं. इन स्टॉल्स के ज़रिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका अपने बिजनेस कम्युनिटी के लिए क्या स्कीम्स लेके आ रही है, बिजनेस को, इंडस्ट्रीज़ को, कॉमर्स को डेवलप करने के लिए जो स्कीम्स आ रही हैं, ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के सारे जो वर्कर्स हैं वो हमारे विजिटर्स को बताएँगे. तो ये एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जीबिशन है जिसमें हिंदुस्तान के हर स्टेट से आपको दुकान लगा दिखेगी. विजिटर्स आ रहे हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से. एग्जीबिटर्स आपको आसाम से मिलेंगे, जम्मू कश्मीर से मिलेंगे, पंजाब से मिलेंगे, नीचे तमिलनाडु से मिलेंगे. टॉप टू बॉटम, ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ आपको तकरीबन 300 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स यहाँ पर लग रहे हैं. हम आप प्रेस वालों के माध्यम से गुलबर्गा की जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इवेंट गुलबर्गा में होने को जा रहा है. आप आइए और इसका आनंद लीजिए. काफ़ी लंबे अरसे के बाद इनॉग्रेशन आया है. आप लोगों की काफ़ी मेहनत रही है, शायद 8 या 10 साल से आप लोग मेहनत कर रहे हैं. कैसा लग रहा है आज के दिन के लिए? हम मतलब जैसे जैसे 12 तारीख नज़दीक आने को जा रही है हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है. जिस तरह से हमारी टीम ने काम किया है, जिस तरह का रेस्पॉन्स हमको सारे कंट्री वालों से मिला है और जिस तरह का रेस्पॉन्स गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और स्टेट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ का है, हमें बहुत खुशी है कि हम बहुत ही सक्सेसफुली इस इवेंट को कंडक्ट करेंगे. रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट असलम जागीरदार हूँ और ये रिफा कर्नाटका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए इन कोलैबोरेशन विद द बिल्डर जेपी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जिनका प्रोजेक्ट सेंट्रल मॉल यानी कि ओल्ड संतोष थिएटर पे, जो सेंट्रल मॉल का जो प्रोजेक्ट है उस पर ये इवेंट होने को जा रहा है. कलबुर्गि कलारवदल्ले ना व्यापारोत्सव 2023 नम्म कलबुर्गि नगरद केंद्र स्थलवाद सेंट्रल मॉल बारी आरंभिस्ता इद्दीवि. ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಇವತ್ತು ಸಿ ಸಿ ಟಿಯಿಂದ ಬಿ ಸಿ ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
सो कलबुर्गी नगर व्यापार उद्यम मेळदल्लि भारत 16 राज्यगळिंद ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 250 ನವೋದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 12 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಹಿಳಾ ಗುಂಪುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ GTTC ಅಂತ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನವೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ITIನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು 12-15 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮೇಳ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಬಂದು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.